व्यापारियों से ठगी करके कीमती सामान लेकर फर्जी चेक देकर फरार होने वाले शातिर ठग की धरपकड़ के लिए टीम गठित की गई थी, जिसका नेतृत्व प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ ताल ने किया। मुखबिर की सूचना पर शातिर ठग को चिड़ियाघर के पास गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर चिड़ियाघर से व्यापारियों से ठगी कर बेचने के लिए छुपाए हुए लगभग 6 लाख का माल अभियुक्त दुर्गा शरण जायसवाल निवासी सीवान बिहार से बरामद भी हुआ। दूसरे वाले को भैया बाहर उठ प्रश्न सामान ये शॉट वाली है भैया देखो आप हमसे अभी मैं कैंट वाला आ रहा है जो पूछा जाए घटना का खुलासा करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया, रुपए का लगभग सामान अपना हार्डवेयर का लेता है, उसको एक चेक दे देता है, एक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी बुक कराता है और चला जाता है। उसके बाद जब वो चेक करता है तो चेक वो कूटरचित निकलता है। उसके बाद उसने जो वहाँ पता लिखाया था वो पता चेक किया जाता है तो पता भी गलत निकलता है। उसके बाद इसकी तहकीकात होती है, वो थाने में शिकायत करते हैं, उसके बाद उसकी तहकीकात की जाती है तो पता चलता है कि जिस ट्रांसपोर्ट से सामान वहाँ ले गया था उससे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि देवरिया मोड़ तक ये उस ट्रांसपोर्ट सामान ले गया, वहाँ उतरवा दिया और ट्रांसपोर्ट वाले को पैसे देके वापस कर दिया। उसके पश्चात एक और दूसरे से ले जाके विभिन्न जगहों पे आगे भेज देता जाके है। जब इसमें पूछताछ शुरू हुई हुए इसको पकड़ा गया, उसके बाद इसने कबूला कि हाँ हमने सामान ये देवरिया बिहार बॉर्डर पे कई जगह बेचा था, जिस सामान की बरामदगी की गई बाहर पूरा सामान रखा हुआ है। इसने जो पैसा बेचा था उससे इसने विभिन्न सामान खरीदे, टीवी खरीदी, मोबाइल खरीदे, कुछ ज्वेलरी खरीदी जो आपके सामने है, ये उसी पैसे से खरीदे, स्वीकार किया, वो भी बरामद किया गया है।